दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे चैनल में हम देखेंगे कि कॉफ़ी कॉफ़ी आजकल बहुत ट्रेंड में है। कॉफ़ी से हम कॉफ़ी तो एक ड्रिंक भी बनती है बहुत अच्छी, पर अगर इसको हम स्किन में लगाएं तो इसके फ़ायदे उतने ही होते हैं और ये आपको वैसी ग्लोइंग और ब्राइट स्किन देती है। तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में कमाल का होता है। फिर इसके बाद इसमें होता है वो सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, यानी आपको यूवी रेज से बचाता है ये, और ये आपको वो ग्लो देता है, आपके स्किन को प्रिपेयर करता है, टैन को निकालता है। फिर अगर आपके फैट मतलब या आपके बॉडी में सेलुलाइट्स है उसको भी हटाता है या आपके बॉडी को निखारता है। तो आज हम इसको यूज करेंगे, तो इसको एक स्क्रब बनाएंगे, आप स्क्रब या पैक कुछ भी आप बोले, पर इसमें अब हम चाहिए हमें ये, मैंने थोड़ा शुगर का पाउडर लिया है। अब पाउडर ही शुगर ले तो बेटर रहेगा, शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, ये स्किन को ग्लो देता है। और इसको मिक्स करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे कोकोनट ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या बादाम का ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, ये पैक बनाना या स्क्रब बनाना बहुत ही इजी होता है, आप 1 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने कॉफी ग्राउंड्स लिए हैं, आप कोई भी कॉफी पाउडर यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये शुगर का जो पाउडर है, इसको हम ऐड कर देंगे, ये भी करीब 1 टीस्पून ही लेना है आपको। और इस ब्लेंड करने के लिए अब हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल, उस हिसाब से अप्लाई करें जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और इसको आप हमें मिक्स कर देना है, इसको अच्छे से ब्लेंड करें। मैं यहाँ पे अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे मुझे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि ये पाउडर है। अब ये ऑयल पूरी तरह से मैंने दे दिया है, तो आप देख सकते हैं ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया है, बिल्कुल ही पाउडर्ड। तो इसको ऐसे ही बना ले, आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही आप मिक्स कर लें कि बिल्कुल ऐसे एक फाइन पेस्ट बन जाएगा। और कभी भी आप इसको फेस पे लगाए तो याद रखें कि आप उतना हार्श ना हो, बहुत ही सॉफ्टली इसको मसाज करें। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे लगाना है। अब क्योंकि ये मिक्स हो गया है तो आप अपने फेस को या बॉडी पे कहीं भी यूज कर रहे तो थोड़ा सा क्लीन कर ले उसको, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे लें और इसको जेंटली मसाज करें, पर याद रहे दोस्तों इसको आप अपने बाथरूम में ही ट्राई करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये थोड़ा मेसी हो जाता है, ये इधर उधर गिरता है थोड़ा, तो आप इसको अपने वॉशरूम में ही लगाएं। फिर इसको आपने अब ऐसे से मसाज कर लिया है तो ये आपके सारे जो डेड सेल्स है वो बहुत ही जेंटली रिमूव करेगा। और अब अगर डेड सेल्स अपने रेगुलरली रिमूव करते हैं तो आपका जो अंदर का बेबी स्किन है वो बहुत ही ब्राइट होती है, उसमें सारे इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। तो इसको आप मसाज करें ऐसे करीब 5 मिनट तक मसाज करें, फिर इसको आप छोड़ दें करीब 5 to 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स आप छोड़ दें, फिर उसको वैसे ही फिर जेंटली मसाज करके आप इसको धो लें। तो दोस्तों आप देखें कि ये 15 से 20 मिनट्स हो गए थे, मैंने इसको अच्छे से स्क्रब करके मैंने इसको वॉश कर दिया था उस कॉफी के स्क्रब को, और आप देख सकते कितना स्मूथ हो गया ये फिनिश और मॉइस्चराइज भी हो गई है क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल था। अब आप आपका कोई भी जो फेवरेट मॉइस्चराइजर हो या सीरम हो कुछ भी आप उसको अप्लाई कर लें, और इसको आप हफ्ते में 2 या 3 बार करें तो आपको भी ऐसी मिलेगी स्पॉटलेस स्मूथ एंड ब्राइट स्किन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।